हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो बात करेंगे आरपीएफ पोस्टल कट ऑफ की, क्या इसकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है और क्या इसका पेपर का पैटर्न है। अगर आप यह जानने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि 2 फरवरी से आरपीएफ कॉन्स्टेबल के एग्ज़ाम शुरू हैं, ठीक है। और क्या इसका, पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की। जो इसमें जी की होगी आपकी, वो आपकी 50 मार्क्स की होगी। और बात करें रीजनिंग, ये आपकी 35 नंबर की होगी। और मैथ की बात करें, ये भी आपका 35 मार्क्स होगा। टोटल आपके 120 मार्क्स हो गए, मतलब 120 क्वेश्चन हो गए मैन। और आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और बात करें जो उसमें इसकी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, वो आपकी 1-3 होगी, ठीक है। आप सभी को मैं एक सुझाव दूंगा दोस्तों, आपको जितना हो सके आप इसमें तुक्का मत मारना, क्योंकि अगर आप तुक्का मारोगे जो आपके प्रश्न ठीक है वो भी आप सभी के गलत हो जाएंगे। आप ऐसी तैयारी करो कि आप सभी को तुक्का मारने की नौबत ना आए, ठीक है। और बात करें जो इसमें आप सभी की कट ऑफ रहने वाली है, जनरल की बात करें ये रहेगी दोस्तों 75 से 80 के बीच में। और बात करें ओबीसी की, ये रहेगी आपकी 70 से 75 के बीच में। और एससी की बात करें, ये रहेगी 65 से 70 के बीच में। और बात करें एसटी की, ये रहेगी आपकी 60 से 65 के बीच में। आप सभी को सिलेक्शन के लिए इतने मार्क्स लाने बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप सभी इतने मार्क्स ला सकते हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, वरना चांसेस बहुत ही बहुत कम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है और जो आपकी वैकेंसी है वो बहुत ही कम है, ठीक है। इस करके आप सभी की जो कट ऑफ जाएगी वो बहुत ही हाई लेवल तक जाएगी आपकी कट ऑफ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, एक लाइक और कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे।